कि रामचरितमानस है क्या, इसके अंदर कौन कौन से आदर्श पात्र हैं, कौन कौन से आदर्श सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों के कारण से ये ग्रंथ इतना महान बन गया कि आज संसार के भक्ति ग्रंथों में सबसे ऊंचा, इससे श्रेष्ठ ग्रंथ भक्ति मार्ग में कहीं भी नहीं है, दुनिया में भी नहीं है कोई, और भी कहीं भक्ति मार्ग हों जहाँ डिवोशनल मार्ग हों वहाँ भी इतनी ऊंची भक्ति का ग्रंथ कोई नहीं मिलेगा आपको। भारत में बड़े ग्रंथ लिखे गए लेकिन तुलसी जैसा भक्ति मार्गी ग्रंथ कोई नहीं लिखा गया। बड़े बड़े भक्त पैदा हुए लेकिन जितना ऊंचा तुलसी का दर्जा मिल गया उतना नहीं मिला। तो इसलिए जब हम रामायण को देखते हैं सबसे पहली चीज़ हम क्या देखते हैं कि तुलसी ने रामायण को, वाल्मीकि ने जिसको रामायण कहा था, तुलसी ने अपने ग्रंथ का नाम रामायण नहीं रखा, तुलसी ने अपने ग्रंथ का नाम रखा रामचरितमानस। रामचरितमानस यही नामा श्रवण सुनत पावई विश्रामा। इस नाम को सुन के ही कान जो हैं उनको बड़ी शांति मिल जाती है। रामचरितमानस, रामचरितमानस का क्या मतलब है? राम का चरित है और किसके मन में है, मानस किसका है? रामचरितमानस जो है उसमें दो मिल गए, रथ महेश निज मानस रखा। भगवान शंकर ने अपने मन में इसको रथ रख रामचरितमानस को रखा हुआ था और पाई सो समय उमासन, जब मौका मिला और अच्छा समय मिला तो पार्वती को सुनाना शुरू कर दिया। तो भगवान शंकर के मानस में ये रामचरित विराजमान था। चरित राम का है, मानस भगवान शंकर का है, तो इससे महान हो गया वो। तो तुलसी ने ये भी बड़ा उपकार किया कि दक्षिण के अंदर आलवाड़ संत विष्णु को पूजते थे, नैनमार संत जो थे शिव को पूजते थे, उनमें बड़ा झगड़ा हो जाता था। वैष्णव और सौवों शिवों की बड़ी लड़ाई होती थी और ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे गए जिसमें ये दिखाया गया कि शिव जो है विष्णु से बहुत ऊँचा है, विष्णु तो उसकी, और विष्णु वैष्णव ग्रंथों में बताया कि शिव तो दोनों की लड़ाई होती रहती थी, लेकिन शिव जी ने अपने ग्रंथ से, ग्रंथ का नाम रख के ही इस झगड़े को मिटा दिया। मानस भगवान शंकर का है और चरित राम का है। राम शिव और राम मिलकर के एक ही हो गए हैं, कोई विवाद नहीं है देश के अंदर, समन्वयवाद में तुलसी से ऊँचा कोई नहीं है। जो झगड़े की जड़ थी उसको तुलसी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, देश में एकता ला दी, सांप्रदायिक एकता बिल्कुल ला दी कि दो संप्रदाय बड़े बड़े तकड़े खड़े हो रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। जब आपस में ही लड़ोगे तो दूसरे लोग तो तुम्हें आके दबोच लेंगे। हमारे यहाँ पंचतंत्र में ये कहानी आती है कि वो जो था शेर, वो देखता था कि चार बैल हैं यहाँ बड़े तकड़े हैं, उनको मैं खाऊंगा, मेरी कई दिन की, एक एक बैल में कई कई दिन की भूख मिल जाएगी। लेकिन जब वो जाता था शेर तो भेक क्या करते थे कि एक तरफ से आ रहा है तो उधर मुँह करके शेर वो जो थे बैल सींग मारता था, पीछे वाले उसके आगे आ जाते थे, इधर से आता था वो सींग निकाल लेते, तकड़े तकड़े बैल थे तो शेर को मौका ही नहीं मिलता था। तो लोमड़ी ने कहा कि शेर तो इन बैलों को नहीं खा सकता क्योंकि इनके अंदर इतना एकता है इनकी कि तू किधर से ही जाए सब मिलकर के तुझे मार देंगे। उसने कहा मैं तो भूखा हूँ कई दिन का और हाथ जाता हूँ तो मर जाता हूँ, मुझे बता। लोमड़ी ने कहा एक काम कर, तू इन्हें आपस में लड़वा दे। तो शेर गया, उसने एक बैल की प्रशंसा करनी शुरू कर दी, भाई तू तो बड़ा निर्भय है, तू तो मेरे ऊपर आक्रमण करता है, ये दूसरे बैल तो तुझे कुछ भी नहीं समझते, जब भी मैं आता हूँ तुझे ही आगे बढ़ा देते हैं कि मरेगा तो सदा यही मरेगा और नहीं मरेगा शेर भाग जाएगा तो हम भी बच जाएंगे, और ये अपने चैन करते रहते हैं, ये घास खाते रहते हैं, तुझे तुझसे मुझे लड़ाते रहते हैं। तो शेर ने जाकर एक बैल से करना शुरू कर दिया, वो बैल जो था कान में उसके जो प्रशंसा पड़ी तो बैल को शेर की सैराग हो गया। वो दूसरे बैल थे, अगले दिन जब शेर आया तो उसने कहा भाई तुम क्यों नहीं मरते, मुझे अड़ा देते हो, जाकर जाओ तुम जाओ, मैं नहीं जाता। बस वो बैल जो था अलग खड़ा हो गया, जैसे ही बैल अलग जाके खड़ा हुआ शेर उसके ऊपर झपट पड़ा कि अब तो वो तीनों इसकी रक्षा करेंगे नहीं, वो उनको खा गया। तो शिव और वैष्णव जब आपस में लड़ेंगे तो दूसरे लोग विदेशी और विधर्मी आकर के खा जाएंगे हमें। तो तुलसीदास जी ने नाम में ये कर दिया रामचरित मानस, रच महेश निज मानस राखा। राम के चरित्र को भगवान शंकर ने अपने मन में रच के रख लिया था और पाए सो समय, जब मौका आया ठीक आया अच्छा समय मिला
तो उन्होंने उसको व्यक्त कर दिया, पार्वती को सुना दिया कि मेरे मन में ये राम का चरित्र है, और उस चरित्र को सारी दुनिया में फैला दिया। तो नाम में ये बात है, लेकिन दूसरी चीज़ इसमें और बढ़िया है, रामायण में होता है कि राम का आयन, राम का घर, जहाँ राम का निवास है, रामायण बना दी उन्होंने। अब निवास को तो बड़ा पवित्र रखना पड़ता है, साफ रखना पड़ता है, झाड़ू लगानी पड़ती है उस पर, कभी कभी जो आजकल तो पेंट आ गए हैं, पहले कलई कराते थे, उसमें सफाई करते थे, और कोई उसको गंदा ना कर दे, ज़रा सा गंदा पैर पैर गंदे जूते लेकर कोई अंदर ना आए, तो इसलिए जूते बाहर निकालो, उसके बाद पैर धो, हाथ धो, और हाथ धो का मुंह भी धो अपना, तब जा कर के मंदिर के अंदर घुसने दिया जाएगा। और कपड़े आपके इतने गंदे हैं कि बदबू आ रही है, तो कपड़े बदल के, या तो नंगे, तो मंदिर में होता था ऊर्ध्व वस्त्र, यानी ऊपर के वस्त्र उतारो, और ऊपर के वस्त्र उतार के मंदिर में घुसो। तो बड़ी मर्यादाएँ थी, इसलिए छोटा आदमी मंदिर में नहीं घुस सकता था। फिर ये होता था कि भगवान के दरबार में जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जा सकते, तो वो कहते थे हमारे पास तो कुछ पैसा नहीं है, मिठाई नहीं ला सके, कहने लगे कुछ ना कुछ लेकर के आओ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल मिल जाए कहीं से फल उठा लाओ, फूल मिल जाए फूल उठाओ, लेकिन खाली हाथ नहीं जाओगे अंदर। तो बड़ी मर्यादाएँ होती हैं मंदिर की। भगवान का मंदिर जितना अच्छा बनाओगे, जितना विशाल बनाओगे, उतनी फिर मर्यादाएँ ज़्यादा हो जाएंगी। दीवार पर तूने हाथ लगा दिया, दीवार गंदी हो गई, चल दीवार को ठीक कर हाथ धो। तो छोटा मोटा आदमी मंदिर में घुसने की हिम्मत भी नहीं करता, वंचित रह जाता है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं इसको राम का मंदिर नहीं बनाऊंगा, मैं राम का निवास स्थान नहीं बनाऊंगा इसको अपने, मैं क्या करूंगा, मानस बनाऊंगा इसको, मान सरोवर। मानस का मतलब मान सरोवर। अब इस सरोवर को जब मैं बनाऊंगा, तो जो आदमी सरोवर पर जाता है उसको ये नहीं करता कि पहले पैर धो के जाओ, बल्कि ये होता है वो तो सरोवर में जाके पैर धोता है। सरोवर में जाएगा तो पैर का मैल छूट जाएगा उसके, और मंदिर में होता है कि पहले मैल छुटा के मंदिर में तब आओ। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं सरोवर बनाऊंगा, तो कभी इधर से कोई आदमी आएगा तो उसकी कोई जात नहीं पूछेगा, गोत्र नहीं पूछेगा, वो जाके सरोवर में हाथ भी धो लेगा, पैर भी धो लेगा, अपना कुल्ला भी कर लेगा, आचमन भी कर लेगा। तो किधर से, फिर दूसरी तरफ ये मंदिर का तो द्वार है, उस द्वार से ही आपको आना पड़ेगा, वहाँ द्वारपाल खड़े हैं, वहाँ आपका गोत्र पूछेंगे, जाति पूछेंगे। सरोवर में कोई ऐसा गेट नहीं, कहीं से आ जाओ, तो किसी भी जाति का आ जाओ, कहीं भी सरोवर में, कोई सरोवर में नहीं पूछता। गंगा में पैर, गंगा में हाथ डालने के जाओ तो कोई भी सफाई कर्मचारी है वो भी हाथ धो ले जा करके, कोई पंडित है वो भी हाथ धो ले जा करके, कोई और दूसरी जाति का कोई भी धो ले, तो सरोवर के अंदर कोई जात पात नहीं पूछी जाती। निर्धन हो या धनी हो ये भी नहीं पूछी जाती। कोई धनी है तो गंगा जी में इसलिए जाएगा कि गंगा का जल बढ़िया से ले आऊँ घर बाग, और जो गरीब है वो इसलिए जाएगा कि मेहनत करके आया हूँ तो अपने कपड़े वहीं धो लूँगा। तो जो गंगा जी, जो आप मंदिर में कहोगे तो पहले कपड़े साफ करो तब मंदिर में जाओ, जब आप सरोवर में जाओगे तो वहाँ जाके गंदगी दूर हो जाएगी, सारे मैल आपके दूर हो जाएंगे, कोई जाति पाति का प्रश्न नहीं होगा, कोई धनी निर्धन का प्रश्न नहीं होगा। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं अपने इस ग्रंथ को सरोवर बनाऊंगा, ये मान सरोवर है, इस सरोवर में कोई आ जाओ, कहीं से आ जाओ, किसी तरफ से आ जाओ, जात पात पूछे ना कोई, यहाँ कोई जात पात नहीं पूछी जाएगी। तो मान तुलसी के रामचरित मानस का ये भी अर्थ है कि ये सरोवर बना दिया इन्होंने, इस सरोवर में कहीं किसी से कोई नहीं पूछता, और यहाँ ये है कि पहले हाथ धो कपड़े धो तब वहाँ जाओ, यहाँ ये होता है कि नहीं, यहाँ आ जाओ आपका मैल सारा ये सरोवर काट देगा। तो कितना ही मैल आपके अंदर जम गया हो, बड़े से बड़े पाप पप कर लियो, पाही ना गई कई गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि तर पारे। राम का नाम पवित्र करने वाला है, ये मानस है राम का नाम, ये मंदिर नहीं है, ये मानस है। इस मानस में आने से हाथ धो करके, कपड़े धो करके, पैर धो करके पवित्र हो जाता है सारा आदमी। तो इसलिए तू देख ले, प्रसन्न देख ले कि जिन्होंने राम का नाम लिया, तुलसीदास जी कह रहे हैं कौन आदमी है जो पतित से पतित, नीच से नीच गिरा हुआ था और उसका उद्धार नहीं हुआ। तो सबसे पहले किसका नाम लिया, गणिका,
गणिका जो थी वैश्या, कोठे में बैठी हुई है, वैश्या चला रही है, खुद भी पतित है और लोगों को पतित करती है रोजाना। पता नहीं कितने लोगों का पतन कर दिया उसने। तो एक दिन क्या हुआ कि एक आदमी जो पक्षी बेचता था, यही काम करता था पक्षी बेचने का, वो उधर से निकला तो तोता बोला, तोता बड़ी मीठे स्वरों में बोला। तो वो जो वैश्या थी उसने अपने नौकरानी से कहा कि देखिए तोता बड़ा अच्छा बोल रहा है, इसने तोते वाले को यहाँ ला बुला के। वो तोते वाले को बुला के लाई, कहने लगे तुम्हारा तोता जो बोल रहा था अभी क्या बोल रहा था? उसने कहा ये बोल रहा था मिट्ठू कौ राम राम, मिट्ठू कौ राम राम। कहले तो बड़े सुरीले ढंग में बोल रहा था, इस तोते को मुझे दे जाओ। वो कहने लगा माता जी आप इस तोते को नहीं खरीद सकते। कहने क्यों नहीं खरीद सकती? मेरे पास अपार धन है, बड़े बड़े राजे महाराजे आते हैं और सोना और चांदी के जेवर चढ़ाते हैं, मैं कैसे नहीं खरीद सकती? बोल कितना पैसा लेगा? कहने लगी पैसे की बात नहीं, ये तोता आपको परेशान कर देगा, तो यह तो आप तोते को मेरे को मार दोगी और यह आप परेशान हो जाओगी। कहने क्यों? कहते इसकी बुरी आदत पड़ गई है, ये सुबह 5 बजे ही करना शुरू कर देता है, मिट्ठू बोलो राम राम, मिट्ठू कहो राम राम। कहने कोई बात नहीं, करता है तो करने दे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसने गणिका ने वो तोता खरीद लिया, उसको पैसे दे दिए। अब वो तोता आ गया, उसकी तो आदत थी, तो पहले दिन तो उसने कहा मैं अभी तो सोई थी, 12 बजे तक, 12:30 बजे तक कोठा चला था, 1 बजे तक, अभी इनने 5 बजे टेंटे करनी शुरू कर दी। पर उन्होंने कहा वो कह गया था कि इसे मारना मत तोते को, अगर ये आपको परेशान करे तो मुझे ही वापस कर देना, पैसा मैं जब ही लूँगा, जब ये तोता आप थोड़े दिनों 1 हफ्ते 2 हफ्ते देख लोगी, नहीं तो मैं अपना तोता ले जाऊँगा वापस। तो उनने कहा मार तो सकती नहीं मैं, ये चींची कर रहा है, 2 दिन उसने से करी। तो 3रे दिन वो कहने लगी अपनी नौकरानी से कि ये तो अपनी आदत छोड़ेगा नहीं, कल ऐसा करना कि तो हमारा जो कोठा 1 बजे तक चलता है, कल मुझे जल्दी सुला देना, मैं 12:15 बजे या 11:30 12 बजे सो जाऊँगी, ताकि 5 बजे ये टूंटी करे तो मेरी नींद ख़राब ना हो। तो 1.5 घंटा पाप से बच गई हो पहले ही दिन। अब जो तोता जो था उसने फिर वही करना शुरू किया, वो उठ के चली जाती थी, नींद उसकी ख़राब नहीं होती थी, क्योंकि 11:30 बजे लोग कहने लगे कल तक तो ये कोठा 1 बजे तक चलता था, इतना शानदार कोठा था, क्या हो गया? कहते जी बस अब तो भाई जी ने कह दिया है कि 11:30 12 बजे के बाद मुझे सोने का मौका देना, कोठा मत चलाना। और बड़े लोग कहें इतना पैसा देते हैं हम, ये करते हैं, कोठन के कोठा नहीं खुल सकता। 3-4 दिन के बाद वो जब बैठी वो तुम जब उन्होंने कहा मिट्ठू बोलो राम राम, वो उसके पास जाके बैठती मिट्ठू बोलो राम राम, तोता कहता मिट्ठू बोलो राम राम, वो भी कहती मिट्ठू बोलो राम राम। तो वो कहने लगे नहीं बांदी से कि मैं रात को इतना पाप करके गंदा शरीर होता है मेरा और ये तोता जगा देता है मुझे, तो तू और ज़रा थोड़ी देर पहले जगा दिया कर, नहा धो करके इसके मिट्ठू बोलो राम राम ऐसे शरीर से नहीं बोलनी चाहिए, तो मैं कल नहाने धोने का भी मौका मिल जाए तो कल मुझे 4 बजे जगा देना, ये 5 बजे शोर मचाता है तो 4 बजे जगा देना, तो कोठा 10 बजे ही बंद कर देना। तो कोठा 10 बजे बंद हो गया। अब वो कहने लगी बिना नहाए धोए मिट्ठू राम राम नहीं कहना चाहिए, तो वो जा करके नहाने धोने में टाइम लगा के वहाँ बैठती। तोता फिर जो था बोलता था उसका, तो मुझे बोलता रहा तोता, तो उसने कहा कि अब मैं जब पाप करती हूँ इस शरीर से तो ये ठीक नहीं नाम राम। तो उसने कहा कल से कोठा बंद करो, कोठा बंद कर दिया उसने गणिका ने। तो पाई ना गति, राम नाम के लेने से पवित्र हो गई वो। ये नहीं हुआ कि पहले तुम पवित्र बनो, पहले ये गंदगी छोड़ो, पहले बुरे काम छोड़ो तब राम नाम छपोगे, बल्कि हुआ ये कि राम नाम की तरफ आओगे तो गंदगी अपने आप छुटती चली जाएगी। तो गांधी जी प्रार्थना सभा में बैठते थे शाम को, तो प्रश्नों के उत्तर दिया करते थे, और राम भक्त वो तो उनके यहाँ से वो हुई था, राम जी के नाम लेते थे। तो एक महिला खड़ी हुई, उस महिला ने गांधी जी से कहा कि गांधी जी मैंने कबीर का दोहा पढ़ा कि तुलसी माला कबीरा माला काठ की यूँ समझावे मोए, मन न फिरावे अपना तो काय फिरावे मोए। कहने मैं माला फेर रही थी, कबीर ने कहा कि काठ की माला जो तू फेर रही है इससे क्या फ़ायदा होगा तुझे, तू अपना मन तो फिराने रही दुनिया से और माला फेर रही है तो क्या तुझे क्या मिलेगा, तो मैं माला फेरनी बंद कर दूं क्या? तो गांधी जी
क्योंकि हम भी गांधी जी की सभा में बैठ जाते थे जाकर, तो गांधी जी जो थे वो कहने लगे, बेटी तुम ठीक कह रही हो लेकिन तुम्हारी दशा बड़ी अजीब तरह की दशा है। वो कहने लगे, क्या? कहते एक आदमी जो था वो बाजार गया, वो बड़ा अच्छा साबुन रखा हुआ था वहाँ, उसने वो साबुन खरीदा, बड़ा सुंदर साबुन था, ऊपर से दिखाई दे रहा था, उस साबुन को लेकर घर आ गया और घर आके अपनी पत्नी को दिया, कि आज मैं ये खरीद के लाया हूँ, देखो कितना अच्छा है। पत्नी ने वहाँ रख दिया। अगले दिन जब वो नहाने लगा तो पत्नी ने कहा, इसमें बड़ी सुगंधी आ रही है, बड़ा अच्छा है, लो ये साबुन ले लो। कहने, तू पागल है, मैं इतनी मेहनत करके आया हूँ, सारा पसीना और सारी ये मिट्टी जमी हुई है मेरे शरीर पर, और ये साबुन को इतने को नाश मारूंगा मैं इसका, इतना सुंदर साबुन। कहते उसने साबुन वहीं रख दिया। पत्नी कहने लगी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है, इस साबुन से ही तो मैल कटेगा, ये तुम्हारे मैल जो जम गया है, इस मैल को पानी खार इतना पानी डालोगे 10 बाल्टी तब जाके छुटेगा, और एक बार साबुन लगा लोगे तो 1 बाल्टी में छुप जाएगा, तो साबुन किस लिए लाए हो, उठाओ। तो कहते बेटी, उसने साबुन मला तो मैल छुट गया। तो ये माला जपने से ही तो मन फिरेगा, पहले मन को फिराओ तब माला जपो, ऐसा कैसे काम होगा। कहते ये ऐसा ही है, तो ऐसे ही कि राम नाम लेने से ही तो मैल कटेंगे सारे, मानसरोवर बना दो इसको, गंदे से गंदा भी आदमी मंदिर में नहीं जा सकता वो, लेकिन वहाँ सरोवर में आकर के सब अपनी गंदगी धो देगा। तो तुलसी ने अपने ग्रंथ का नाम ही ऐसा रखा, जिस नाम से लोग जो थे प्रभावित हो गए कि वाकई ये तो मानस है, मानसरोवर है, मैं कितना ही पतित हूँ, गणिका अजामिल गीद है। अब गीद को तो क्या है, उन्होंने कहा गीद खगादम आमिष भोगी, सब परिंदों में सबसे नीच परिंदा गीद माना जाता है, और आमिष भोगी मांस खाता है मरा हुआ। लेकिन राम की भक्ति के कारण से क्या हुआ, जब उसने राम की भक्ति की और राम के लिए अपना प्राण निछावर कर दिए, धर्म के लिए प्राण निछावर कर दिए, और कैसे कर दिए कि उसने गीद ने कहा कि महाराज मैं दोनों पंख से उड़ रहा था, रावण ने पहले मेरा एक पंख काटा, मैं नीचे गिरा, फिर भी मैंने एक पंख से उसके ऊपर आक्रमण किया, दूसरा पंख भी काटा, फिर भी मैंने कहा कि मेरे होते हुए दुनिया में अन्याय नहीं हो सकता, धर्म के लिए जान देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। तो राम ने कहा, तुमने निष्पक्ष होकर के, पंख का मतलब होता है पक्ष, आदमी धर्म का पालन पक्ष के कारण से करते हैं, कुछ आदमी धर्म का पालन इसलिए करते हैं कि धर्म के नाम से पैसा कमा लेंगे, कितना चढ़ावा आया, उनने कहा जी 2000 रुपये चढ़ावा आया, तो और प्रचार करो, तो पैसे के लिए वो धर्म का काम करते हैं, श्रद्धा धर्म में नहीं होती, उनकी श्रद्धा पैसे में होती है, यहाँ अच्छे लोग नहीं हैं, यहाँ पैसा नहीं चढ़ेगा, यहाँ नहीं हम करेंगे कथा, कहीं और करेंगे कथा। तो उनका एक पक्ष तो होता है वित्त का, धर्म की का प्रचार करने वाले पैसे के लिए प्रचार करते हैं, और दूसरा पक्ष होता है लोकेशना का, मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूँ तो मेरे बड़े बड़े पोस्टर छपने चाहिए, बड़े बड़े ग्रंथ छपने चाहिए, और तुम जैसे महान आदमी के जो धर्म के लिए लड़ रहा है, राम के लिए लड़ रहा है, और दोनों पक्ष त्याग दिए तुमने, तो निष्पक्ष होकर के जो राम के लिए भक्ति करता है। तुलसी ने कहा, गीद को गोद उठाए दया निधि, बारिद लोचन में भरी बारी, हाथ से पंख समारत जात, जटायु की धूर जटान से झारी। भगवान ने फौरन ही उसको उठा के अपने गोद में बिठा लिया, ये नहीं पूछा तू मांस खाता है तुझे बिठाऊंगा। राम ने कहा, धर्म के लिए बलिदान हो सकता है तू, और निष्पक्ष रूप में बलिदान हो सकता है, कोई पक्ष नहीं, कोई खबर छापने वाला नहीं वहाँ कि अखबार में छापेगा, कोई प्रतिष्ठा लोकेशना की बात नहीं, मुझे पैसा मिलेगा इसकी भी कोई बात नहीं। तो जो पक्ष त्याग करके निष्पक्ष होकर के और धर्म के लिए लड़ते हैं, तुलसी ने कहा कि ऐसे लोगों को राम अपनी गोद में बिठा लेते हैं। तो गीद को गोद उठाए दया निधि, अब जब गोद में लिटाया तो देखा इसके तो जख्म लगे हुए हैं, तो लक्ष्मण जी से कहने लगे, लक्ष्मण इन जख्मों को धोने के लिए गर्म गर्म पानी डालो, नहीं तो इन पर तकलीफ होगी, ठंडा पानी डालने से दर्द होगा, कहीं से गर्म पानी लाओ। तो लक्ष्मण जी कहने, यहाँ जंगल में देखता हूँ कहीं घास तो मिल जाएगी, लेकिन अग्नि कहाँ से लाऊँगा। तो लक्ष्मण जी सोच ही रहे थे, राम ने कहा, ओहो, लक्ष्मण ने एक बात सुन, क्या? कहते मेरे जो अश्रु गिर रहे हैं ना, ये मैं जख्म पर गिराऊंगा इस पर, तो ये गरम गरम पानी गिरेगा। तो और कहने लगे, इसको कैसे गिराऊंगा,
बारिज लोचन में कटोरी में पानी गर्म करते ना, तो कहते माँ यह करती थी तेरी नेत्र कमल जैसे हैं। तो माँ मुझ मेरे नेत्रों को कमल जैसी कहती थी, कमल की पत्री कटोरी जैसी होती है, तो मैं वो गर्म जो आंसू हैं जो गिर रहे हैं उनको पहले अपने आँख के कमल के गिरूँगा और फिर वो यहाँ आंसू डालूँगा गर्म गर्म। तो भगवान रो रहे हैं उस आदमी के लिए जिसने बलिदान किया अपना धर्म के लिए। बारिज लोचन में भर बारी, तो गीत कहने लगे मेरे जख्मों को बड़ी शांति मिल रही है, गरम गरम पानी से मेरे कोई जख्म धो रहा है। कौन धो रहा है? राम ने कहा कोई नहीं, चिंता करो। और फिर क्या हुआ, जब जख्म धुल गए तो मिट्टी जमी हुई थी दिखाई दी, तो फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण मिट्टी को धोने के लिए अगर कोई हार्ड चीज़ से हम धोएंगे तो चोट लगेगी, कोई सॉफ्ट चीज़ देखो रोशन रेशम वेशम मिल जाए तो। तो लक्ष्मण ने कहा मैं अपना देखता हूँ कपड़े को जो पहना हुआ है इसको फाड़ूँ मुलायम हो तो। फिर राम ने कहा कि नहीं, कपड़ा उपड़ा फाड़ने की जरूरत नहीं। तो गीद को गोद उठाए दया निधि, बारिज लोचन में भर भारी, आँख में आंसू आ गए, गरम गरम आंसू गिरने लगे और नेत्र कमल कटोरी की तरह से उसमें आंसू भर करके गीद के जख्मों पर डाले। और फिर क्या हुआ कि अब हाथ से पंख संवार जात, अब जो मट्टी है उसको हाथ से जब संवारा तो क्या हुआ कि कोई सॉफ्ट चीज़ चाहिए लक्ष्मण, तो जटान की धूल जटान से झारी। कहने लगे लक्ष्मण मेरे बाल जो हैं रेशम जैसे कोमल हैं, तो जटाएँ खोल दी अपने और जटाओं को खोल करके वो गीद के जो थे जख्म वो झाड़ने शुरू किए और गीद को, तो जटायु की धूल जटान से जारी और इस तरह का काम किया। तो कहते हैं जो तुलसी कह रहे हैं कि जो पापी है जो मांस खा रहा है लेकिन राम के लिए उसने अपना बलिदान दे दिया, धर्म के लिए बलिदान दे दिया, तो उसे वो गति मिली। राम की गोद में लेटने का मौका तो बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों को भी नहीं मिलता। राम ने अपनी गोद में उसको लिटा लिया, अपने आंसुओं से उसके जख्म धोए, अपनी जटा खोल दी कि रेशम की तरह से इसकी मट्टी साफ कर दूँ मैं। तो कहते हैं तुलसी कि जो इस मानस में आकर के अपने आप को धोएगा उसके तो पाप अपने आप धुल जाएंगे। तो इसका नाम उन्होंने मानस दोनों तरह से कर दिया, शिव जी का मानस और इधर ये मानसरोवर। तो मानसरोवर बना दिया तुलसीदास जी ने। तुलसी का ग्रंथ मानसरोवर है। छोटा हो बड़ा हो, धनी हो निर्धन हो, ब्राह्मण हो शूद्र हो और कोई पिछड़ी जाति का हो, कितना ही मलिन हो कितना ही गंदा हो, सब मानसरोवर में जाकर सभी तो दो डुबकी लगाई मानसरोवर में और कपड़े जरा धोए सब साफ हो गए। तो पापी से पापी आदमी को भी निर्मल बना देगा। आपको मंदिर में जाने से पहले सफाई करनी पड़ेगी अपने, एक एक चीज़ साफ करनी पड़ेगी, धोना पड़ेगा, पैसे लाने पड़ेंगे कहीं से, यहाँ कोई पैसे की जरूरत नहीं। तालाब में डुबकी लगाने जाओगे तो एक पैसे की ज़रूरत नहीं, खूब डुबकियाँ लगा के मैल सारा चुटा दो। तो तुलसी ने कहा कि ये आम आदमी के लिए, जनता के लिए, सारी जनता के लिए, निर्धन धनी सबके लिए सुलभ हो जाए राम भक्ति, अध्यात्म का मार्ग सबके लिए सुलभ हो जाए, कोई ये ना देखे कोई पैसा लेकर के भगवान के पास आएगा मंदिर में, कोई साफ होकर के बढ़िया कपड़े पहन के आएगा मंदिर में वही मंदिर में घुसेगा, बल्कि कर दिया कि सरोवर है कोई चले जाओ यहाँ पर। तो तुलसी ने अपने ग्रंथ का नाम भी ऐसा रखा जो कल्याणकारी नाम रखा। पहला तो यही चीज़ है, सबसे पहली चीज़ ग्रंथ का नाम। अब ग्रंथ में जब नाम ही इतना बढ़िया है तो उसके अंदर क्या होगा, बहुत बढ़िया 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 चीज़ें होंगी। तो तुलसीदास कहने लगे कि सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं जो ग्रंथ लिख करके दूँगा वो और ग्रंथों से बहुत भिन्न होगा। तो तुलसीदास जब लिखने लगे जहाँ से शुरू किया, वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकम्। तुलसी ने पहला काम यह किया कि वंदे वाणी और विनायक को एक साथ वंदना करनी चाहिए। कर्मकांडी पहले गणेश जी की पूजा कराते हैं, फिर नवग्रह की कराते हैं, फिर जाके सरस्वती की पूजा कराते हैं, लेकिन तुलसी ने कहा कि वाणी को और बुद्धि को अलग नहीं करना चाहिए। वंदे वाणी विनायको, वाणी और विनायक एक साथ चलने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें वाणी तो होती है, एक घंटे तक बोलते रहेंगे वो, और एक घंटे के बाद जब लोग कहेंगे पूछेंगे क्या बोला तो कहेंगे हमारे हमें कुछ पता नहीं क्या बोल गए, वो बोल गया सारा, बुद्धि नहीं होती उनके अंदर, बस बोलने की शक्ति होती है। तो राजनीतिक लोग ऐसे ही होते हैं, राजनीतिक लोग दो घंटे भाषण दे जाए पता नहीं लगता क्या कह गए,
तो इसलिए वाणी के साथ बुद्धि गणेश जी होने चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बुद्धि तो बहुत होती है लेकिन अभिव्यक्ति करने का उनके पास वाणी नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जो थे बहुत विद्वान ईश्वर को पहुँचे हुए भगवान का, लेकिन उनके पास वाणी नहीं थी तो वो तरसते रहते थे। जब नरेंद्र मिले और नरेंद्र पहली बार आश्रम में गए और उन्होंने वहाँ जाकर भजन गाया तो उन्होंने नरेंद्र के कंधे पर हाथ रख दिया कि आज मुझे वाणी मिल गई, मैं अपने सारे सिद्धांत जब तुझे दूंगा तो तेरी वाणी से ही दुनिया में प्रचारित हो जाएंगे। तो वाणी बुद्धि तो होती है लेकिन बोलने वाणी नहीं, वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते बेचारे, उस बुद्धि को लेकर मर जाते हैं। और राजनीतिक लोग होते हैं कि उनमें वाणी तो बहुत होती है लेकिन क्या बोल के गया यहाँ मंच पे नहीं होता। एक आदमी ऐसे ही हुए, उन्हें बुला लिया, कहते जी बहुत बड़े मिनिस्टर हैं ये आए हैं तो ये कुछ दानवान दे जाएंगे, तो उनको बुला लिया और वो बोल गए वहाँ। महावीर भगवान महावीर की जयंती थी वहाँ बोल गए, तो जैनियों ने सोचा कि हमारे स्कूल को कुछ दानवान दो चार अंत में घोषणा करके जाएगा। लेकिन जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो कहने लगे कि महावीर का नाम मैं बचपन से ही सुनता आया हूँ, मुझे डर लगता था, अंधेरे में नहीं जाता था मैं कहीं भी, तो भूत पिशाच निकट नहीं आवा, महावीर जब नाम सुनावा। मेरी दादी कहने लगी कि अंदर जब जाया करे तो महावीर का नाम लेकर जाया कर कोई भूत। तो एक आदमी ने खड़े होकर के कहा उनको कि वो महावीर दूसरे हैं, वो हनुमान जी हैं, ये महावीर स्वामी जैनियों के हैं। तो बस उसे बोलने के पास तो कुछ था ही नहीं, उसके बाद उल्टी सीधी तुक्के मार रहा था, एकदम बोला ओहो ये देखो भारत का दुर्भाग्य, ये फिरका परस्ती लोग जो हैं ना इन्होंने दो दो महावीर बना दिए, एक जैनियों का महावीर एक सनातन धर्मियों का महावीर, इन्होंने देश का नाश कर दिया, फिरका परस्तियों को हम हराएंगे इलेक्शन में। घंटा भर बोल गया और महावीर स्वामी के बारे में कुछ नहीं बोला। तो जिनमें वाणी होती है और बुद्धि नहीं होती वो भी देश का नाश मारते हैं, और जिनमें बुद्धि है वो अपनी बुद्धि को लेकर मर जाते हैं लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर पाते, वो भी एक तरह से समाज के लिए घातक नुकसान ही करते हैं। तो तुलसीदास जी ने पहली जो अपना सबसे पहला जो वाक्य लिखा उसमें पहली चीज़ तो लिखी बंदे वाणी विनायकों, वाणी 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 को और विनायक को साक्षात पूजन करो। वाणी है तो मैं वो शब्द बोलूँ जो बुद्धि से भरे हो, जिनके पता लगे कि कुछ बुद्धिमानी की बात बोल गया है। और अगर बुद्धि है तो कोई ऐसी देखो कोई ऐसा आदमी जो आपकी वाणी आपको वाणी दे सके। तो पहला ग्रंथ है उसने कहा कि मैं जो अपनी लिख रहा हूँ ये वाणी भी मेरी ऐसी है कि इतना बड़ा ग्रंथ लिख रहा हूँ मैं, इसमें ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि बुद्धि ही नहीं की बात मिले। और मेरे अंदर जो बुद्धि है उसको भी मैं वाणी दे रहा हूँ, तो वाणी मैं ऐसी दे रहा हूँ कि उस वाणी का पता लग जाए कि वाकई किसी बुद्धिमान ने लिखा है। और उसने कहा ये सारे संसार के लिए लिख रहा हूँ मैं, जब भी बोलो बुद्धिमानी के शब्द बोलो, अगर आपको भगवान ने बुद्धि दी है तो उस बुद्धि को अपने साथ लेके मत मरो, संसार के कल्याण के लिए वाणी दे जाओ उसको। आपने बहुत बड़े बड़े सिद्धांत बनाए लेकिन किसी को बताया ही नहीं, तब भी आपने दुनिया का कल्याण नहीं किया, तो वाणी भी लो। तो पहली चीज़ तो तुलसी ने अपने ग्रंथ में ये रखी कि वाणी और विनायक को साथ साथ पूजो, अलग अलग मत करो इनको। दूसरा उन्होंने कहा मंगला नाम च करता, उन्होंने कहा देखो मैं कविता करने जा रहा हूँ, कविता में क्या चीज़ होती है, वर्ण नाम, वर्ण चुनो, कौन कौन से शब्द से अलंकार कैसा बनेगा, तो वो शब्द चुनो जिससे बढ़िया अलंकार बन जाए। और उन्होंने शिव तुलसी जो हैं शब्दों के चुनने में इतने हैं कि एक एक शब्द के लिए कई कई पर्यायवाची बना दिए हैं, एक शब्द लेंगे तो उसके दस दस पर्यायवाची बिक जाएंगे। तो तुलसी को वाणी पर बड़ा अधिकार है, उस वाणी से बहुत काम करते हैं तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी ने काम किया कि वर्णानाम वर्ण तो मैंने चुन लिए, वर्णानाम अर्थ संघानाम, अब वर्ण को इस तरह से संगठित करो कि वो सार्थक बन जाए। निरर्थक शब्द जो हैं वो तो मूर्खता के लक्षण हैं, आपने कोई बात कही और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो आप साहित्य क्या रचना करोगे जब सार्थ, तो मैंने इसको कहा कि सार्थक बनाऊंगा, वर्णानाम अर्थ संघानाम, इसका जो संघ होगा एक एक शब्द जो होगा एक एक चौपाई होगी वो ऐसी होगी कि जिसके इतने अर्थ निकल सकते हैं। अंजनी शरण ने यही काम किया है, अंजनी शरण ने 7 मानस पीयूष के एक एक चौपाई के किए,
और अंजनी शरण के शिष्य ने फिर और जो कमी रहते थे 14 अध्याय 14 किताब मोटी मोटी लिखी हैं रामायण की, एक एक चौपाई का अर्थ करने के लिए। तो तुलसीदास ने कहा मैं इतनी सार्थक बना दूंगा कि एक एक चौपाई की व्याख्या करने में आदमी को कितना कितना, तो 14 खंड का पढ़ो, 14 किताबें 14 ग्रंथ पढ़ो, तब रामायण की एक एक चौपाई का अर्थ समझ में आएगा। तो अर्थ संगानाम भी दे दिया, अर्थ ही अर्थ मिलेगा, वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम। रामायण महाकाव्य है और महाकाव्य होता है जिसमें 9 के 9 रस हों, इसमें शांत रस भी हो, जिसमें वीर रस भी हो, श्रृंगार रस भी हो, सारे हों। तो तुलसी ने कहा कि मैं महाकाव्य बना रहा हूँ तो सारे रस मैं इसमें लाऊँगा। कविता कभी लोग वही लाते हैं, कविता में अगर रस नहीं है तो कविता क्या बनेगी, नवरस होने चाहिए कविता में। और नवरस ला करके मैं क्या करूँगा, वर्णानाम और संगानाम रसानाम छंद सामपी। अब छंदों को मिलाना, छंद भंग हो गया तो कविता लिखी नहीं जाएगी। आजकल तो नया जो आ गया सिस्टम अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव में, वो छंदहीन कविता कही जा रही है। और छंदहीन कविता ऐसी है, हमारे यहाँ बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, वो 3 भाषाओं पर उनका अधिकार था, 2 भाषाओं में वो PhD थे और 1 भाषा में D.Lit थे। तीनों भाषाओं में PhD हो गई और D.Lit हो गई। तो यहाँ त्रिपाठी जी बहुत विद्वान आदमी थे, उनका पाली पर भी उतना अधिकार था, संस्कृत पर भी उतना अधिकार था और हिंदी पर भी उतना अधिकार था। तो तीनों पर उन्होंने अधिकार प्राप्त किया हुआ था। तो जो कई लोग आए, नई कविता उसका नाम था, वो उसका यहाँ आकर के सम्मेलन हुआ, तो उन्होंने उनको कहा कि त्रिपाठी जी आप हमारे कविता, क्योंकि आप साहित्य जगत के शिरोमणि माने जाते हैं, हरियाणा में इतनी डिग्री, इतनी ऊंची ऊंची डिग्री लेकर के कोई आदमी, सारे उत्तर क्षेत्र में ही कोई नहीं है, तो आप हमारे कार्यक्रम पर अध्यक्षता कर दो। तो उन्होंने कहा कि छंद मुक्त कविता मुझे ऐसी लगती है जैसे विधवा औरत की चूड़ियाँ फोड़ दी हों, पिछुए उतार दी हो और उसका श्रृंगार छीन लिया हो, तो राण जैसी लगती है मुझे छंदहीन कविता। कविता का तो गुण ही छंद है, बढ़िया में छंद में आना चाहिए, तो मैं ऐसी जगह जाके अध्यक्षता नहीं कर सकता। तो आज ये छंद मुक्त कविता आ गई है, लेकिन पहले कविता का गुण छंद से माना जाता था, छंद भंग नहीं होना चाहिए, एक भी मात्रा इधर उधर नहीं चाहिए। तो कहने लगे वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंद सामपी, ये तो सारे कवि करते हैं, अपनी कविता को अच्छी बनाने के लिए ही सारी चीज़ें लाते हैं, पर मैं एक नई चीज़ दे रहा हूँ जो और कवियों ने नहीं दी। भक्ति साहित्य में ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा गया मंगलानाम च कर्तारो, मेरा ग्रंथ मंगल ही मंगल करेगा, जिस जगह इसको पढ़ेंगे लोग उनके घर में अमंगल भी होगा तो मंगल आ जाएगा अंदर। तो मैं इस ग्रंथ को इस तरह लिख रहा हूँ, मैं इस ग्रंथ के अंदर नया गुण ला रहा हूँ, मंगलानाम च कर्तारो, मैं इसको मंगलानाम बना रहा हूँ, मंगल ग्रंथ बना रहा हूँ। और चूंकि मंगल ग्रंथ है इसलिए मंगल ग्रंथ का जो अंत है वो दुखांत नहीं होना चाहिए, वाल्मीकि रामायण का जो अंत है दुखांत है, राम सरयू में समा गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, तुलसा पृथ्वी में समा गए हैं, लक्ष्मण को मर्डर करना था लेकिन वो भी चले गए। तो जिस ग्रंथ के एंड में ट्रेजिडी आती हो उसका पाठ मंगलकारी नहीं हो सकता, तो मैं इस ग्रंथ को मंगलकारी बना रहा हूँ। और ये मंगला नाम जो है अकेला तुलसी ने अपने ग्रंथ में लगाया है कि मेरी कविता केवल छंद रस अर्थ ये चीज़ें इसमें नहीं होंगी, ये तो सभी की कविता में होती हैं, सारे जितने अच्छे कवि हैं सब में ये चीज़ें होंगी। तो मेरी कविता में नई चीज़ क्या है, मंगला नाम च कर्तारो, मेरी कविता ऐसी है, मेरा ग्रंथ ऐसा है कि जहाँ ये ग्रंथ पढ़ा जाएगा, जहाँ मेरी कविता पढ़ी जाएगी वहाँ मंगल ही मंगल होगा, अमंगल नहीं आ सकता, तो मैं इसको मंगला नाम बना रहा हूँ। और वाकई उन्होंने मंगला नाम बना दी, क्योंकि जिस आदमी के घर जब भी कोई कर्म होता है, अनुष्ठान होता है, इसका ही पाठ करते हैं कि हमारे घर में मंगल हो जाए। तो सबसे पहला जो श्लोक है तुलसीदास जी का वो ये है। अब इसमें खास चीज़ क्या है, खास चीज़ इसमें यह है कि अब तक तुलसी से पहले जितने लोग थे उन्होंने निर्गुण भगवान की, राम की भक्ति तो की लेकिन निर्गुण की। तुलसीदास जी ने सगुण राम नहीं देखा, और जो निर्गुण की भक्ति होती है वो राम को अनिर्वचनीय वेदांत की तरह कहता है कि जो निर्गुण और निराकार है, जिसका कोई विशेषण ही नहीं है, उसका वर्णन भाषा नहीं कर सकती,
क्योंकि भाषा में वाक्य ही नहीं बनता, विशेष्य के साथ विशेषण लगाओ तब वाक्य बनता है। तो सबने राम को, सबने ब्रह्म को अनिर्वचनीय कह दिया, और ये भी कह दिया तर्क ना सके सकल अनुमानी, उसको अनुमान के द्वारा, तर्क के द्वारा उसको भगवान को सिद्ध भी नहीं कर सकते। तो तुलसी ने कहा ऐसा भगवान जो बिल्कुल अनिर्वचनीय है, बातों में नहीं आ सकता, वो आम आदमी की समझ से बाहर है, आम आदमी नहीं समझ सकता। बुद्धि से जो आदमी भगवान को समझना चाहता है, तर्क से जो आदमी भगवान को समझना चाहता है, वो तर्क से नहीं समझ सकता। तो तुलसीदास ने कहा कि मैं काम क्या कर रहा हूँ, मैं अपने ग्रंथ को वा से शुरू कर रहा हूँ, वर्णा नाम, जबकि और जितने भी हैं उन्होंने ओम से शुरू किया, जितने भक्ति ग्रंथ हैं ओम से शुरू होंगे, मैं वा से शुरू कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ वा से, वर्णा नाम, जो अवर्णीय है उसको वर्णों में लाना चाहता हूँ मैं, जिसका वर्णन शंकर जैसे आदमी उसको अनिर्वचनीय कह दिया, और ये कहा कि नेति नेति नेगेटिवली तो कह सकते हो कि ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म है क्या कहते हैं वो अनिर्वचनीय है, उसको कोई नहीं बोल सकता। तो मैं वर्णों में लाना चाहता हूँ उसको जो अनिर्वचनीय रहा है अब तक, निराकार लोगों ने, निर्गुण लोगों ने उसको अनिर्वचनीय बनाया है, तो इसलिए वा से शुरू किया वर्ण। अब वर्ण खोजो, वर्ण के दो अर्थ हैं, एक अर्थ ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध, ये वर्ण व्यवस्था है, और एक ये वर्ण जो वर्णमाला होती है भाषा की। तो तुलसी ने दोनों चीज़ें की, तुलसी ने कहा मैं वा से शुरू कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, मैं जा करके अंत में जाकर कह रहा हूँ सर्व मानवा, भगवान का एक वर्ण नहीं है, ब्राह्मण नहीं है भगवान, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, इनमें से किसी वर्ण में भगवान नहीं है, वो सब वर्णों का है। इसलिए कौन सा वर्ण है जिसमें मैं लाऊंगा उसको भगवान को, मानवा। तो एक वर्ण तो ये कर दिया उन्होंने कि भगवान का एक ही वर्ण है, वो है मानव, सब मानवों में भगवान ही दिखाई देता है। जैसे रामानुज ने कहा ना, रामानुज ने अपने चेले को कहा, उसने कहा कि ये तो शूद्र है, आप जब गंगा नहा के आते हो तो शूद्र के, आप नहाने के बाद शूद्र के चौपड़ी में जाके बैठते हो, इसके कंधे पे हाथ रखते हो, तो आपको तो दोबारा नहाना चाहिए। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, मुझे तो सब में ब्रह्म ही दिखाई देता है, मैंने कभी इसको ही नहीं पूछा कि तू कौन सी जात का है, मैं तो जब आता हूँ तो देखता हूँ ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है। एक उर्दू के शायर ने इस बारे में बहुत अच्छा कहा है, जो तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ में लिखा, उसको उर्दू के शायर ने, तुलसी ने तो लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने, मुझे तो सब जगह सिया राम ही सिया राम दिखाई देते हैं इस जगत के अंदर, इसलिए जब भी मेरे कोई सामने आता है तो मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ कि आपके अंदर भी मुझे सीताराम की मूर्ति दिखाई दे रही है। तो एक उर्दू के कवि ने जब ये पढ़ी रामायण, तो उसने तुरंत रिएक्शन किया, उसने उर्दू में कहा जब तासीर उल्फत है कि मजनू बन गया लैला, प्रेम क्या करता है, प्रेम में जानना एक दूसरे को ज़रूरी नहीं है, हो जाना, मैं लैला को जानता नहीं बल्कि मैं लैला बन गया हूँ, राधा जो थी उन्होंने कहा करें आराधना जिसकी, उसी का नाम राधा है, जो सच पूछो तो राधा श्याम है और श्याम राधा है, राधा श्याम बन गई और श्याम राधा बन गए। तो जब बन जाते हैं आदमी के जो मैं बनना, जो जिससे प्रेम करता हूँ वही बन जाऊँ मैं, तो ये सच्चा प्रेम है। तो अजब तासीर उल्फत है कि मजनू बन गया लैला, नज़र आने लगा हर सिमत उसको यार का जलवा, जिधर भी देखता था वो ऊँटनी से नजर की तरफ से जंगल में घूम रहा था, तो उससे मक्का मदीना की तरफ से जहाँ ऊँट आते थे वो आ रहे थे, तो सारे में लैला लैला ढूंढता फिर रहा था, तो वो ऊँटनी जो आई ना उसको गले में लिपट गया, लैला आज तो मिल गई मुझे। उन्होंने कहा भाई पागल है, उन्होंने कहा मुझे तो हर जगह लैला ही दिखाई देती है। तो नज़र आने लगा हर सिम तो उसको यार का जलवा, तो प्रभु जी, अब उसने तुलसीदास जी वाली गई, प्रभु जी मेरी नज़रों में भी वो तासीर हो जाए कि नज़र जिस शय पर डालूँ वो तेरी तस्वीर हो जाए।
तो इसलिए राम का कोई वर्ण नहीं है, राम मानवा, सारे मानव राम का। शब्दों में उन्होंने कहा कि कोई ऐसा वर्ण ढूंढो जिसमें अवर्णीय जो है उसका वर्णन हो जाए। तो तुलसीदास जी ढूंढने लगे, का खा गा घा, सारे वर्णों को ढूंढने लगे। तो ढूंढते ढूंढते तुलसी को दो वर्ण मिले, एक छत्र एक मुकुटमणि, सब वर्णन पर दो, जितने भी हिंदी के वर्णमाला है उसमें दो वर्ण ऐसे हैं कि एक वर्ण जो छत्र बन जाता है, रा जो है ऊपर चढ़ जाता है तो यूँ छत्र की तरह बन जाता है, उसकी शक्ल हो जाती है छत्री। तो एक वर्ण तो है जो छत्र है, और दूसरा वर्ण बना कि जिसके पास जाता है रामम लिखना हो तो राम लिख के ऊपर बिंदी लगा देते हैं, रामम नमामि रामम रघुवंशनाथम, तो बिंदी बन जा करके क्या होता है सब वर्णन पर दो, एक छत्र एक मुकुटमणि, जिसके पास जाएंगे वो उसको सुशोभित कर देंगे जैसे उसके माथे में मुकुटमणि जड़ दी हो। तो कहते ये दो वर्ण मुझे ऐसे मिले कि जहाँ ये राम का नाम होगा, राम जहाँ जाएंगे उसकी रक्षा करने के लिए छत्र बन जाएंगे, और दूसरी जगह है कि जिसके पास जाएंगे कोई निर्धन से निर्धन है, शबरी जैसी गिरी हुई भीलनी है, उसको भी जाके मुकुटमणि उसकी बन जाएंगे, शबरी दुनिया में पूज्य बन जाएगी। तो तुलसी ने दो वर्ण उठाए और इन दोनों वर्णों को उठा के जब सब बनाया तो राम बन गया। तुलसी ने कहा मैं राम को ही अपने सारे ग्रंथ में राम को ही लाऊंगा, और राम को लाऊंगा तो क्या करूंगा कि तुम जो साधना कर रहे हो योग शास्त्र में, और तुमने योग शास्त्र में साधना करते करते कहा कि प्राणायाम करो तो प्राण पर तुम्हारा कंट्रोल हो जाएगा, और प्राण ही तो जीवन को चला रहे हैं सारे, तो मैं इस राम नाम को प्राण के साथ जोड़ दूंगा। कैसे जोड़ दूंगा कि तुलसी रा के कहती ही निकसत पाप पहाड़। जब मैं कहूँगा रा तो मुंह में से जितनी भी गंदी हवा है कार्बन डाइऑक्साइड सारी निकल जाएगी, रेचक हो जाएगा। तुलसी रा के कहती निकसत पाप पहाड़, और फिर आवन पावत नहीं देत मकार की वार, माँ बोलते मुंह बंद हो जाता है, राम तो होठ बंद हो गए। तो ये हो गया कि भाई आपने पूरक भी कर दिया, आपने रेचक भी कर दिया। तो कहते राम जो अक्षर दो में चुने इसलिए चुने कि सारी योग की साधना इसमें आती है, जितनी बार राम राम कहोगे रेचक कुंभक रेचक चुंभ पूरा पूरा होता चला जाएगा। तो योग साधना की बजाय आप राम राम कहो, आपको योग दर्शन पूरा हो जाएगा, कैवल्य प्राप्त हो जाएगा, समाधि प्राप्त हो जाएगी। तो तुलसी ने ये दो वर्ण लेकर के सारी रामायण रच दी, और सारी रामायण में यही मिलेगा कि राम जहाँ भी गए हैं उसके छत्र बन गए हैं, उसकी रक्षा करने वाले बन गए हैं। जब छत्र बन जाता है तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो तुलसी ने राम को छत्र बना करके और मुकुटमणि बना करके सारा ग्रंथ रच दिया कि ये दो अक्षर ले रहा हूँ मैं, इसलिए वर्णा नाम, इसलिए वर्णों को खोज रहा हूँ कि अवर्णीय को वर्ण बनाऊँ तो कौन से दो वर्ण लाऊँ। तो दोनों वर्ण लेकर के तुलसी ने और ये अपना ग्रंथ रख दिया है। अब इस ग्रंथ का तुलसी के सामने उद्देश्य क्या है इस रचने का? देश में सारे में व्यभिचार फैल रहा है, देश के अंदर दुराचार फैल रहा है, और कैसे फैल रहा है उसके लिए हिंदी साहित्य में एक कविता आती है, विलियम बेंटिंग ने सबसे बड़ा यही काम किया, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे उनने ये काम किया, बैरगिया नाला जुलम जोर बैरगिया, जहाँ रहत साधु के भेष चोर बैरगिया। ये जो वैरागी थे, वैरागियों के भेष में लोग घूमते थे, सन्यासियों के भेष में, चोर और डाकू जो थे वो भी वैरागी के भेष में, तो कहते इन वैरागियों को मैंने ख़त्म करना है, जहाँ रहत साधु के चोर। तो तुलसी के ज़माने में यही हालत हो गई थी कि जितने ठग थे लुच्चे थे लफंगे थे सब जो थे वैरागी बन बन कर दुनिया को लूट रहे थे, सारा समाज उनके चक्कर में फंस रहा था, पाखंडियों ने घिर रखा था समाज को। तो इसलिए तुलसी ने ग्रंथ को रचने के लिए उद्देश्य क्या रखा अपने सामने, इस उद्देश्य के लिए उन्होंने लिखा
कि वेदमति शोध 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 के पुराण सवै संत और असंतन को भेद को बताओ। तो जो असंत हैं उनको हम संत मान बैठे हैं और जो संत हैं उनको त्याग रहे हैं, उनकी तरफ जा नहीं रहे। तो तुलसीदास जी ने क्या काम किया कि वेदमति शोध शोध सारे वेदों का शोधन किया कि संत का लक्षण क्या है, पुराणों का वेदमति पुराणों का किया, और फिर उन्होंने दोनों का भेद बता दिया कि संत और असंत का भेद है। असंत को भेद संत मान करके उसके चक्कर में मत फंसो, नहीं तो नाश का कारण हो जाएगा। और उसके उन्होंने कई अपने दर्शन में अपने इस किताब में कई जगह लोगों को चेतावनी दी कि असंत के चक्कर में जो फंस गया उसका नाश हुआ। सबसे पहला काम उन्होंने सत्यकेतु के यहाँ, सत्यकेतु का मतलब क्या होता है, सत्य का केतु माने झंडा, सत्य का झंडा लेकर के जो चलता है, इन्हें सत्य के हिसाब से ही राज करता है वो। तो सत्यकेतु का पुत्र है प्रताप भानु, प्रताप भानु जो है वो अपने पिताजी की कर्म परंपरा लेकर सत्य का झंडा लेकर के सारी दुनिया को जीत रहे हैं बड़ा। अब क्या होता है कि एक रात वो अपना रास्ता भटक जाते हैं और रास्ता भटक जाके मंत्री कहीं और चला जाता है, तूफान आ रहा है, बड़ी बाहर की भयंकर आंधी हो रही है, पेड़ गिर रहे हैं। तो वो भागते भागते एक कुटिया सामने दिखाई देती है, उस कुटिया में पहुंच जाते हैं। उस कुटिया में वो एक आदमी बैठा हुआ था जो संत का वेश बनाए हुए और वहाँ साधना कर रहा था, उसने उसको पहचान लिया। ओहो, ये तो वो है जिसने हमारा देश जीता था, क्योंकि उन्होंने सारी दुनिया को जीत करके चक्रवर्ती राज स्थापित किया था। तो ये जो था इसका भी राज छीन करके और इसके पुत्र तो मार दिए थे, सेना मार दी थी। तो ये सोच रहा था कि कैसे मैं उनसे बदला लूँ, इतनी बड़ी सेना बना नहीं सकता। तो उसने कहा आज ये मेरे चक्कर में फंस गया। और उसने वो सारा तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि कैसे उनको, पहले तो उन्होंने पूछा कि महाराज जी आपने मुझे आसन दिया और इस आंधी और तूफान से बचाया। उन्होंने आँख मूंद करके उन्होंने कहा कि बच्चा हम त्रिकालज्ञ हैं, हमें पता है कि तू कौन से देश का राजा है, कहाँ से आया है तू, और तू रास्ता भटक गया है। तो उन्होंने चूँकि उसको पता था, उन्होंने नाम बताया तो कहने लगा आपको महाराज यहाँ बैठे बैठे कैसे पता लग गया, अरे हम तपस्या करते हैं। और फिर उन्होंने कहा महाराज आपका नाम क्या है, मैं आपका, उन्होंने कहा हमारा नाम अनिकेत, हमारा कोई घर नहीं है, ये सारा ब्रह्मांड हमारा घर है। उसने कहा महाराज आप तो यहाँ चोला पहने, अरे हम तो ये चोला जो पहने बैठे हैं ये तो तुम्हारे जैसे मूर्खों के लिए है, लेकिन हमारा घर तो सारा अनंत है, हम तो अनंत हैं। और कहने लगे हम अनंत ऐसे हैं कि जिस दिन से सृष्टि पैदा हुई है हमारा नाम है एक तनु, यही शरीर हमने उस दिन से धारण किया है, आज हजारों वर्ष पुराना। तो उसको बड़ी श्रद्धा हो गई, महाराज एक तनु, इतनी तपस्या आपने की और आपने यहीं बैठे बैठे मेरे देश का नाम बता दिया, मेरे घर का नाम बता दिया, सारे हमारे परिवार का नाम बता दिया महाराज, मैं तो वो उसके चरणों में गिर गया। सारी कहानी उसकी बहुत लंबी, तो चरणों में गिर गया। फिर कहने लगा कि अब एक चीज़ है कि मैं महाराज ये चाहता हूँ कि सारे सारे राजाओं को हमने जीता, पर कुछ राजा ऐसे हैं कि जो अभी ईर्ष्या करते हैं हमसे, करना चाहते हैं, तो मुझे ये बताओ कि मैं कैसे उनको, कहीं ऐसा ना हो मेरा राज वो नष्ट कर दें छन। उन्होंने कहा अरे हम एक तनु हैं, ब्रह्म के ज्ञानी हैं, हम तुझे बता रहे हैं कि तेरा राज कभी नष्ट नहीं होगा। और एक एक चीज़ है, अगर तूने ब्राह्मणों को नष्ट वो कर दिया, नाराज़ कर दिया, तो फिर तुझे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो उसने कहा अच्छा महाराज ये तो बड़ा अच्छा तरीका है ब्राह्मणों को। कहने लगे एक काम कर, ब्राह्मण जो है ब्राह्मणम मधुरम प्रिय, जितने ब्राह्मण हैं उनको बुला करके कुछ मधुर मधुर माल खिलाना, उनकी सेवा करना, खीर मालपुए हलवा ये बना के खिलाना। कहले खिलाऊँ, उन्होंने कहा लेकिन उसमें मैं ऐसा मंत्र मारूँगा, बस काम ये करना कि तेरा जो रसोईया है उसको वहाँ से हटा देना, और तेरा जो मंत्री है वो मंत्री बड़ा दुष्ट है, लोगों को दुखी करता है, वो वहाँ नहीं होना चाहिए।
क्योंकि उसे पता था कि मंत्री मुझे पहचान लेगा कि ये तो फला आदमी है, ये काल केतु है जो हमारा शत्रु था जिसको हमने भराया था। तो उसने कहा मंत्री तेरा बहुत पापी है, वहाँ पाप लग जाएगा, उसे हटा। वो कहने लगे क्या करूँ, कहते फिर ऐसा कर कि मैं अभी एक घोड़ा भेज रहा हूँ, मुझे तेरे देश का पता है कहाँ है, वो तेरे मंत्री को हरण करके, उसको उठा करके, उसका परिहार करके, उसका अगवा करके और यहाँ ले आएगा, रात भर उसको बंद कर देंगे या कोठरी में, और मैं जब आऊँगा तो मंत्री उन्त्री नहीं होने चाहिए, और मैं आकर के वो ब्राह्मणों के लिए रसोई बनाऊँगा, उसमें अपना आशीर्वाद ऐसा मिला दूँगा कि जो ब्राह्मण जाएंगे प्रसन्न होकर जाएंगे, फिर तेरा राज अटल हो जाएगा। तो अगले दिन ये पहुँच गया वहाँ और उसने बजाय हलवा और खीर बनाने के लिए मांस बना दिया। जब ब्राह्मण जो थे खाने के लिए बैठे तो आकाशवाणी हुई कि भाई रसोई भूसुर मासु, ये जो रसोई है ये मांस है। अब सारे ब्राह्मण नाराज होकर खड़े हो गए, ईश्वर रखा धर्म हमारा, तू तो हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहता था हमारी सेवा के नाम से, पर भगवान ने आकाशवाणी करके हमारा धर्म बचा लिया, तो ले हम तुझे शाप देते हैं, संबत माद नाश तब हुई, एक साल के अंदर तेरा बिल्कुल नाश हो जाएगा, और जलदाता कुल रहना, तुझे बचाने वाला तो बचाने वाला, तेरे कुल में एक भी आदमी नहीं बचेगा, जलदाता भी नहीं बचेगा। और ऐसा कह करके चला गया और कहने लगा मैंने बदला ले लिया, अब मुझे इन्होंने मुझे हराया था हमारे राज्य को। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या है, तुलसी देख सुवेश रीज है मूढ़ न चतुर नर, वेश को देख करके कि उसने बढ़िया भगवा कपड़ा पहन रखा है, दो चार मालाएं डाल रखी हैं लोगों को दिखाने के लिए कि वाकई एक तनु हूँ, तपस्व ही ऊँचा, इस तरह का वेश धारण करके बैठा हुआ है। तो अंधकार का समय था, अंधेरा था, तो जिनकी बुद्धि पर अंधकार छाया होता है, जिनकी बुद्धि किसी लोभ में प्रलोभन में कि मेरा राज अटल हो जाए, तो वो फिर क्या करते हैं, वो द्वेष देख लेते हैं बस। और वेश देख करके तो तुलसी ने कहा कि जो बुद्धिमान आदमी है वो क्या करता है, तुलसी देख सुवेश रीझे मूढ़, मूर्ख आदमी वेश पर रीझ जाते हैं, रीझे मूढ़ न चतुर नर, जो बुद्धिमान लोग हैं वो देखते हैं ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, ठीक राज है भी या कोई नहीं है, या कहीं रात को मैं यहाँ सोया और सोते समय मेरा मर्डर करके मुझे ही लूट लिया, तो वो ज़रा बच करके सोएगा कि भाई ठीक है ज़रा महाराज जी कह रहे हैं यहाँ सो जाओ, तो कुछ बहाना देखेगा अच्छी तरह से कि महाराज है यार। तो जो मूढ़ लोग हैं जिनके रात्रि का अंधकार जिसके माँ, वो वेश देख करके रीझ जाते हैं, जहाँ वेश देखा ओहो महाराज जी आ गए, अरे पुत्री मैं तेरा सोना दूना कर दूंगा, ला तू अपना जेवर यहाँ रख दे मेरे सामने, और मैं अभी मंत्र वंतर पढ़ूंगा, तेरे 10 तोले सोना जो है 20 तोले बन जाएगा। और उन्होंने क्या कहा, उनके उसके 10 तोले का सोना जेब में डाला और पीतल का जेवर वहाँ रख दिया 20 तोले और वहाँ से चल दिए। अब वो बाद में जब गई बाज़ार में, उन्होंने कहे तो पीतल है, तो साधु सोना ही लूट के। तो जो मूढ़ हैं वो तो बस वेश देख करके रीझ जाते हैं, वो ये नहीं देखते कि धोखेबाज तो नहीं है कोई किसी तरह का। तो पहली बात तो तुलसीदास जी ने कही कि वेदमती शोध 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 के पुराण सवै संतो और असंतन को भेद को बताओ। तो रामायण लिखने का क्या है कि संत को और असंत को भेद कर सकें आप। तो पहला तो उसने कहा कि नाश हो गया इसलिए तुलसी के की पेख, मोर को देख करके लोग रीझ जाते हैं, लेकिन जो मोर को लेकर के पकड़ करके आते हैं तो अंदर पता लगता है कि इसने तो सांप खाए हुए हैं, इसके पेट में सांप ही सांप जहर ही जहर भरा हुआ है। तो इसलिए रीझी मूढ़ होना चतुर नर, आप किसी के वेश देख करके मत रीझना, वो पता नहीं असंत निकल आए आपका नाश कर दे जैसे उसने नाश कर दिया था। फिर दूसरी जगह तुलसी कहते हैं, कहाँ कहते हैं, अहिल्या, जब राम जो हैं वो हो जाते हैं विश्वामित्र जी के आश्रम में, तो अहिल्या पत्थर बनी पड़ी है, तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि इसके चरण लगा दो आप अपने, तो ये इसके अंदर फिर जीवन आ जाएगा। तो राम उसके अंदर जो चरण लगाते हैं अहिल्या जीवित हो जाती है, उसके अंदर जड़ता छाई हुई थी अब चेतना आ जाती है उसके अंदर,
तो चेतना आ जाती है, राम कहते हैं उससे के तुम्हारा, तो वो हाथ जोड़ करके कहती है कि महाराज एक काम करो, ये जो आपकी चरण धूल है इसे मेरे माथे पर लगी रहने दो। कहते हैं राम का नाम लेने से आदमी में ऐसी बुद्धि आ जाती है कि फिर वो धोखा नहीं खाता। उन्होंने कहा तूने क्या धोखा खाया, उसने एक तो एक बिनती कर जोरी मैं मति भूरी, मेरा नाम अहल्या नहीं है दुनिया ने, दुनिया वालों ने चूँकि मैं बेहोश पड़ी थी इसलिए मेरा नाम अहल्या रख दिया। तो राम कहने के तुम्हारा नाम क्या है, उन्होंने कहा मेरा नाम है मति भोरी, भोली मति मेरा नाम है, मेरा नाम है भोली। राम कहने लगे अच्छा भोली, तुम्हारा नाम भोली है कि महाराज मैं भोली ना होती। तो गौतम ऋषि और भोगी इंद्र में पहचान नहीं कर पाती। तो महाराज आज सारे समाज में भोगी इंद्र जो हैं वो गौतम ऋषि का वेश बनाए हुए घूम रहे हैं और भोली नारियां उनके चक्कर में फंस जाती हैं। सब कुछ नारी का जो सारा, नारी की जो पवित्रता है, नारी की वही लूट जाती है, तो नारी के पास क्या रह गया, कुछ भी नहीं। तो जब नारी का शील ही लूट लिया तो नारी तो जड़ी बन जाएगी। तो महाराज मैं भोली थी इसलिए मैं पहचान नहीं सकी कि ये गौतम ऋषि है या भोगी इंद्र है गौतम ऋषि का वेश धर कर। तो महाराज अब आइंदा ये होगा कि जब आपके चरणों की राम नाम का मैं मंत्र ले लूँगी तो फिर मैं आइंदा किसी के चक्कर में नहीं आऊँगी, क्योंकि फिर मैं पहचान सकूँगी कि ये जो आ रहा है सामने ये भोगी इंद्र आ रहा है गौतम ऋषि का रेप धर के, फिर मैं उसके चक्कर में नहीं आऊँगी, क्योंकि आज आपकी धूल लगते ही आज मुझे चेतना आ गई मेरे अंदर। तो तुलसी कहते हैं कि संसार के अंदर भोगी इंद्र बहुत घूम रहे हैं, सब ने गौतम ऋषि का वेश धारण किया हुआ है, और गौतम ऋषि का वेश धारण करने के बाद पता नहीं कि स्त्रियों कितनी स्त्रियों का शील लूट लेते हैं, कितनी स्त्रियों की इज्जत लूट रहे हैं वो। तो कैसे दूर होगा, राम नाम लो अपने माथे पर लगाओ तो बुद्धि आ जाएगी, अकल आ जाएगी आपके अंदर। तो वेद मति शोध 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 के पुराण सब है, संत और असंत में भेद करने की शक्ति आ जाएगी। वो कहते रामायण मैंने इसीलिए लिखी है कि आपके अंदर बुद्धि आ जाएगी कि मैं ये कौन संत है और कौन धोखेबाज है, फिर आप धोखा नहीं खाओगे। और तीसरी जगह फिर जाके कहते हैं वो क्या कहते हैं, लख सुवेश जग वंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजिए तेऊ, उगरे अंत न होए निबाहू, काल नैमी जिमि रावण राहु। तुलसीदास जी कहते हैं कि लख सुवेश जग वंचक जेऊ, वंचक का मतलब धूल झोलने वाले। तो दुनिया की आंखों में धूल झोलने वाले थे, लुच्चे थे, लफंगे थे, भोगी थे, लूटने वाले थे, लुटेरे थे कि इस बहाने से लूट लूं। उन्होंने क्या किया, सुवेश धारण कर लिए, 2 रुपए का गेरू ले आए और गेरू से कपड़े रंगे और पहन लिए। और सुवेश धारण करते क्या हुआ, वो वेश के कारण से लोग श्रद्धा से देखें हो महाराज, महाराज जी आ रहे हैं, भगवे वस्त्र पहने हुए हैं, बहुत महाराज जी सन्यासी हैं, तो नमस्कार। तो वेश प्रताप पूजिए थे, वो वेश के कारण से पूजे पूजने बन जाते हैं, और जब पूजने बन जाते हैं तो दुनिया को लूटने लगते हैं वो। तो इसलिए क्या करो, उग्रह अंत तो उनको उघाड़ो, ये मानस मेरी जो है आपके अंदर शक्ति देगी कि आप उनके कहेंगे महाराज जी जरा कपड़े तो उतार के दिखा दो क्या है आप। तो जब कपड़े उतार के फाड़ के दिखाओगे तो क्या निकलेगा, कालनेमी, उनमें से कोई कालनेमी निकलेगा। कालनेमी कौन था, रावण ने भेजा था कालनेमी को कि हनुमान जी को वहाँ रोक लो, संजीवन लेने जा रहे हैं। तो कालनेमी ने रोका और हनुमान जी को कहा तुम जल पी लो, तालाब में पीछे श्रम उतारने के लिए वहाँ। तो हनुमान जी जैसे ही गए तालाब में, उन्होंने डुबकी मारी तो एक मगरमच्छनी जो थी उसने टांग पकड़ ली हनुमान जी की। तो हनुमान जी बड़े शक्तिशाली थे, उन्होंने दूसरी लात जो मारी तो उसकी गर्दन टूट गई मगरमच्छनी की। और जब वो मगरी टूट गई मगरी, तो वो असली रूप में प्रकट हो गई, अप्सरा है बड़ी सुंदर। तो अप्सरा कहने लगी यहाँ तो आश्रम में सारी बहुत सारी अप्सराएं ऐसी पली हुई हैं, वो मगरी के रूप में रहती हैं, कोई पैसे वाला आदमी आया, कोई धनाढ्य आदमी आया तो महाराज जी कहते हैं इसको फंसा ले, इसकी टांग फांस ले चक्कर में। तो वो क्या करती हैं, वो तरह तरह के हाव भाव दिखा करके कभी मटकेंगे कभी नाचेंगी। तो कहते हैं उसको चक्कर में उसकी टांग फांस, फिर वो निकल नहीं पाता, क्योंकि मगरमच्छ के जब किसी को पकड़ ले टांग नहीं छोड़ा सकता। तो कहते फिर वो हमारे आश्रम से निकल के नहीं जा सकता,
फिर हम उसको खूब लूट ले, पैसा भी लूटते हैं, महाराज जी कुछ करते हैं, अंत में सौरे को उसको मर्डर करा देते हैं। मर्डर करा के कहीं लाश फेंकवा दी है, दबा दी उसके अंदर, और दुनिया कहते हैं इस आश्रम में बड़े बड़े महात्मा रहते हैं, जो आश्रम के अंदर गया उसका पता ही नहीं लगा सौरे का कहाँ गया, क्योंकि वो स्वर्ग में भेज दिया महाराज जी ने, मोक्ष करा दिया। और वो मकरियाँ, तो ऐसे आश्रम जहाँ मकरियाँ पली हुई हैं, अप्सराएं पाल रखी हैं, और वो हनुमान जी जैसे आदमी को भी खींच करके अपने चक्कर में फांस लेती हैं, तो उनमें से कोई ना कोई जो आज ये कपड़े पहने फिर रहे हैं, इनमें से कोई ना कोई काल नेमी निकलेगा। आप देखोगे तो तुम्हारा आश्रम कहाँ है महाराज जी, कि मेरा आश्रम वहाँ है रुड़की के पार, तो वहाँ जाके वो जब देखेगा वो यहाँ तो बड़ी बड़ी अप्सराएं नाच रही हैं, तो फौरन ही बाहर से ही भाग जाएगा, अंदर नहीं जाता मैं, ये तो सौरा काल नेमी है, आप महात्मा थोड़े ही है। तो काल नेमी निकलेगा कोई, कोई जो है रावण निकलेगा बहू बेटियाँ भगाने वाला, साधु के वेश में गए, इसकी लड़की बड़ी सुंदर है, इसकी बहू बड़ी सुंदर है, अगले दिन भगा के ले गए। और कोई राहु निकलेगा, राक्षस है वो और कपड़े बदल करके देवताओं का वेश धारण करके बैठ गया, तो बहुत सारे राक्षस जो हैं देवताओं के वेश धारण करके बैठ गए। तो इसलिए बुद्धि से काम लो, ये देखो कि ये साधु जो जो वेश इसने धारण किया हुआ है, इस वेश में कहीं काल नेमी तो नहीं बैठा हुआ है। वो काल नेमी आपको आपके आश्रम में बुलाएगा, और वहाँ वो मकरियाँ जो हैं अप्सराएं, वो आपकी टांग ऐसी खींच लेंगी कि आप निकल के नहीं जा सकते, सब कुछ लुट जाएगा आपका, लाखों रुपया आपने उस आश्रम को दे दिया, क्योंकि वो मकरियाँ अपने जाल में फंसा लेती हैं। फिर पता लगेगा कि साधु नहीं था, ये तो काल नेमी था। तो वो कहते जब मेरा रामायण पढ़ोगे तो वेदमति शोध 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 के पुराण सब है, संतो और असंतन को भेद को बताओ तो। और चौथा वो रावण का कहते हैं, रावण ने जब देखा शून्य बीच दशकंदर देखा, आए और निकट यति की भेखा। रावण ने कहा यहाँ आसपास में बड़े बड़े जो काम हैं करने वाले, वो बेचारे गरीब आदमी हैं, वनवासी लोग हैं, उनके अंदर बुद्धि नहीं है, तो सारा बुद्धि शून्य लोग हैं, और ये विवेक शून्य, जब शून्य बीच देखता है तब वो यति बन करके साधु बन करके रावण आते हैं, और किसी की बहू को भगा के ले जाते हैं, किसी की बेटी को भगा के ले जाते हैं। तो ये शून्य बीच जो हैं, जो बुद्धि शून्य है, विवेक शून्य है, जहाँ शून्य लोग होते हैं, जहाँ विवेक शून्य है, उन्हीं की बहू बेटियाँ भागती हैं, और जो बुद्धिमान आदमी हैं उनकी बहू बेटियों को रावण नहीं भगा सकता। तो रावण ने जहाँ शून्य देखा कि यहाँ तो शून्य, जो बुद्धिमान लोग थे वो तो दोनों चले गए, जो पहचानने वाले लोग थे वो तो चले गए, यहाँ तो बेचारे घास खोदने वाले कहीं वो तो देख रहे हैं, बड़ा भारी यति है, झोली लटकाई हुई है, झोली के अंदर ये इधर कमंडल लटकाया हुआ है और घूम रहा है, महाराज महाराज चरण छू रहे हैं, और उसने देखा यहाँ बुद्धिमान तो कोई अभी नहीं पहचान नहीं सकता। तो तुलसीदास जी ने कहा कि आए और निकट यति के भेखा, जहाँ शून्य होता है, विवेक शून्य लोग होते हैं, जिस घर में बुद्धिहीन लोग होते हैं, वो साधु अपना अखाड़ा, हम तो यहाँ अपना सत्संग करेंगे इनके घर में, पाँचवें दिन पता लगता है कि लड़की को लेकर भाग गया वो साधु। तो तुलसीदास जी ने जो रामायण ग्रंथ लिखा है उसका मुख्य उद्देश्य है कि वेदमति शोध शोध। आज जो है उन्होंने कहा कि आज भी समाज में ऐसी व्यवस्था फैल रही है कि दुराचारी लोग जो हैं वो कवि लोग लिख रहे हैं, जहाँ रहत तो साधु के वेश में चोर, बैरगिया बैरगिया नाला जुलम जोर, ये बड़ा जुलम करते हैं। जब तबला बाजे दीन दीन, इनके आश्रम में तबला बजता है जब जोर जोर से, तो बाहर के आदमी चीखेगा पुकारेगा, कोई उसकी आवाज़ सुन नहीं सकेगा, तब एक एक पर तीन 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 साधु जाकर उस पर टूट पड़ते हैं, माल लूट लेते हैं, मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। तो इन वैरागियों का नाश करना चाहिए, बेंटिंग ने उन्हीं वैरागियों को जो साधु के वेश में घूमा करते थे उन्हीं को मारा। लोगों ने बहुत शोर मचाया कि हमारे साधुओं को मार रहा है अंग्रेज, लेकिन उसने कहा ये तो मैं तुम्हें पोल खोल रहा हूँ इनकी, ये तो चोर हैं सारे के सारे, ये तो यही काम करते हैं, और अगले दिन कह देते हैं मर्डर करके, इसको तो भूत मार गए, प्रेत मान गए, इस तरह मार गए। तो ये साधु लोग जो हैं इनको पहचान कौन करेगा? तो राम का जब माथा लग जाएगी तो अहिल्या फिर गौतम ऋषि में और भोगी इंद्र में पहचान करने योग्य हो जाएगी। वो जो सत्य केतु है, जब वो सत्य को त्याग करके और काल केतु के चक्कर में फंस जाएगा तो नाश हो जाएगा। सत्य को लेकर पकड़ने वाले, ये राम का नाम पकड़े रखो, ये ध्वजा हाथ में रखो
और तब आपको कोई भी काल केतु मिलकर के आपका नाश नहीं कर सकेगा। आप अपने विवेक को खो करके और क्या कर रहे हो, आयो निकट यति के भेका। यति के भेष में जो आदमी आया है उसको आपने घर में बुला लिया, सत्संग कराया, बहू बेटी लेके भाग गया, तो फिर आप इस चक्कर में नहीं पड़ोगे। तो तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ को मूल रूप से इसलिए लिखा है कि दुराचार जो फैल गया था उस ज़माने में और लोग झूठे साधु बनकर के लोगों को हर तरह से लूट रहे थे, लोग उनको पहचान कर सकेंगे सत्य सत्य कौन से हैं। और तुलसीदास जी की रामायण पढ़ेंगे तभी वो जा करके राम नाम की प्रार्थना, तभी वो सच्चे साधुओं को पढ़ेंगे। तो समाज का दुराचार ख़त्म करने के लिए, समाचार में ढोंगी लोग बहुत फैल गए थे, पाखंडी लोग बहुत फैल गए थे और पाखंडी वेश बना बना करके लोगों की इज्जत लूट रहे थे, स्त्रियों की इज्जत। बहुत सारे तो वो कहते हैं कि यवन लोग, यवनों ने देखा कि हिंदू बड़ी जल्दी भगवे कपड़े पर विश्वास कर लेता है, तो बहुत सारे तो मुसलमान ऐसे थे, पठान ऐसे थे जिन्होंने भगवे कपड़े पहन लिए और हिंदू औरतों को भगा भगा के ले गए सारे के साथ। हज़ारों हिंदू औरतें जो थे उनके साथ भाग गई, भगा के ले गए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि हम पहचान करें कि सच्चे साधु कौन है, समाज में से दुराचार खत्म करें, अनाचार खत्म करें, पाखंडियों का नाश करें, पाखंडियों को रावण की तरह मारें, काल नेम की तरह से हनुमान जी ने जैसे मारा। हनुमान जी लौट करके आए वहाँ से, तो हनुमान जी ने आते ही उसको कहा कि गुरु महाराज, आपने मुझे वो तालाब में तो भेज दिया नहाने के लिए, अब मैं आपका ऋण भी तो चुकाना चाहता हूँ, गुरुदक्षिणा। तो कहने लगे वो गुरुदक्षिणा, हाँ, कहते हाँ। तो हनुमान जी ने क्या किया कि पूँछ में लपेटा, तीन बार पटकी मारी, कहते ये है तुम्हारी गुरुदक्षिणा, ये तुमने मकड़ियाँ पाली हुई हैं, इनको सबको स्वतंत्र करो, जाने दो इनको, जहाँ जहाँ से लाए वैश्याएँ और परियाएँ लाए हो किराए की, इनके घर के मुक्त कर, ये अपना जीवन वसन करेंगे। तो मार करके कालनेमी के सबको छुड़ा दिया। तो ऐसे बुद्धिमान लोग तो यही करते हैं कि कालनेमियों को मारो, और कालनेमियों ने झूठे आश्रम बनाए, ऐसे आश्रम उन्होंने यवनों ने बनाए हुए थे, मुसलमान पठान जो थे उन्होंने ऐसे आश्रम बनाए हुए थे कि वो चोगे पहन करके बैठ गए थे और वो यही काम करते थे कि लोगों को फांस लिया और मार दिया। तो तुलसीदास जी ने क्या किया कि संत और असंतन का भेद, जैसे उसने कहा था कि राम अपनी ये लगा दो अपने मेरे माथे पर, तो मैं बड़ी भोली हूँ, आइंदा मैं पहचान कर सकूँगी कि ये जो आ रहा है ये गौतम ऋषि है या भोगी इंद्र है। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि मैं राम नाम को ढाल बना रहा हूँ, इस राम नाम का जो पारायण करेंगे फिर वो ना तो भोगी इंद्रों के चक्कर में आएंगे, ना वो आए और रावण जो यति बन के आया ना उसके चक्कर में आएंगे, और ना ये किसी तरह से राहु जो है वो देवताओं का वेश बनाए घूम रहा है, बड़े देवता बने, बस आप तो देवता स्वरूप है, और देवता स्वरूप क्या कर रहा है, आपकी बहन बेटियों को ताक रहा है, तो आप उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो रामायण मेरी जो पढ़ोगे तो समाज के अंदर से उन सब पाखंडियों को जो झूठे जाली आश्रम बनाए हुए हैं सबका नाश कर दोगे, आप सच्चे साधु को आप खोज लोगे, और ये नकली और साधु जो बैठे हैं कि कपड़े पहने और औरतों को फंसा रहे हैं, इन सब का नाश करने के लिए, समाज से दुराचार मिटाने के लिए ये मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ। इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद बिल्कुल दुराचार मिट जाएगा, एक भी नकली साधु, एक भी पाखंडी साधु, एक भी दुराचारी साधु आपको दिखाई नहीं देगा, और जो सच्चे संत हैं उनकी पहचान हो जाएगी। कि एक वेश साधु सन्मानो, साधु को भगवे दश धारण करने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो अपने आचरण से पहचाना जाता है, जिसका आचरण अच्छा है। गांधी जी ने कभी भगवे दश कपड़े नहीं पहने फिर भी पूज्य बन गए, गुलजारी लाल नंदा ने कभी भगवे कपड़े नहीं पहने, तो जो साधु सच्चे साधु हैं उन्हें वेश धारण करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आचरण से ही पूज्य हो जाते हैं। तो पहचान करो आदमी की उसके आचरण से, उसके कपड़ों से मत पहचान करो। ये तुलसीदास जी ने रामायण में तीन जगह चार जगह लिख दिया। तो तुलसीदास की रामायण का पहले आज तो यहीं तक करेंगे कि इस तुलसीदास जी ने कौन कौन से वर्ण लिए, उन वर्णों से कैसे कैसे रक्षा की लोगों की, कैसे कैसे मुकुटमणि बन करके उनको सम्मान दिलाया दुनिया के अंदर, और कैसे संत और असंत का भेद बता करके तुलसीदास के युग में जो पाखंडी लोग बहुत फैल गए थे, सारे में पाखंडी पाखंड फैला दिया था उन्होंने, यवनों ने,
और यवन जो थे पाखंडी बन बन करके इस देश को धोखा दे रहे थे, उन सारे आश्रमों को तुलसीदास जी ने बंद करा दिया, नष्ट करा दिया और सच्चे साधुओं की पहचान दुनिया को बता दी कि सच्चे साधु ये हैं।